देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। इसी नदी के घाट का रास्ता है जिस रास्ते से होकर छठ करने वाले लोग आएंगे। रास्ते की स्थिति क्या है इसे साफ देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर छठ व्रती इस रास्ते से आएंगे तो कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार जरूर हो जाएंगे। रास्ते को देखकर अनुमान यह भी लगाया जा सकता है कि अगर रास्ते को सुचारू तरीके से नहीं बनाया गया तो स्थिति भयावह हो सकती है, यानी घटना होने का चांस 100% हो जाएगा। दूसरी तरफ यहां का नजारा आप देख सकते हैं, गंदगी इतनी कि कहना मुश्किल। तस्वीरों में साफ अनुमान लगा सकते हैं कि यह गंदगी कहां से आई होगी और इसको साफ करवाने का जिम्मा किसका होगा। क्या कमेटी के लोग ही सिर्फ इनकी साफ सफाई का जिम्मा लेंगे? यह तस्वीर उसी घाट का है जहां पर तकरीबन 1500 पर्व करने वाले लोग आएंगे। तस्वीरें साफ बताती है कि सरकारी आला अधिकारी अगर इस पर कोई कमान नहीं कसते हैं और यहां की स्वच्छता को लेकर ध्यान नहीं देते हैं तो शायद पर्व जिसका महत्व हिंदू रीति रिवाज के अनुसार काफी महत्वपूर्ण होता है और जिसको लेकर बिहार तथा उत्तर प्रदेश के लोग काफी एकाग्रता दिखाते हैं और इन पर्व को करने के लिए विदेशों से लोग भी हमारे बिहार में आते हैं, तो किस तरीके से श्रद्धा का यह पर्व पूरा हो पाएगा कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक तस्वीर यहाँ के घाट की भी है जहाँ पानी का नाम मात्र शून्य के तौर पर है। आप तस्वीरों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि जब पानी ही नहीं तो किस प्रकार से छठ पर्व छठ को करने को लेकर तैयार होंगे। यह जो पानी दिख रहा है यह पानी कीचड़ के बीच में जमा हुआ थोड़ा सा वह पानी है जिसमें लोग आएंगे और सूर्य भगवान को अर्घ देकर माता छठ की याचना करेंगे और अपना जो मनोकामना होगा वह परिपूर्ण करेंगे। नजारा दूसरी तरफ का भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर पानी का आस लगाकर छठ पर्वती आएंगे और छठ करने को लेकर यहां पर अपना डाला रखेंगे। स्थिति क्या है जरा इसे देखकर आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। गंदगी इतनी कि कहीं नहीं जा सकती है और दूसरी तरफ पानी इस कदर है कि लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ेगी। नजारा उसी छठ घाट का है। अब इसको लेकर लोग क्या कहते हैं ये भी देखेंगे और समझेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। और ये कौन सा घाट है? ये मननपुर घाट है। घाट की स्थिति क्या है? घाट की स्थिति बहुत खराब है। जैसे? जैसे में कि 300 मीटर तक बहुत रोड की खराबी है, घाट बहुत गंदगी में है, घाट का पानी का संभावना नहीं है, पूरा गंदगी में चल रही है, कैसे घाट बनेगा कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, ये जो आपके पीछे का रास्ता बना है ये रास्ता किस लिए उपयोग किया जाता है? यही रास्ते हाईवे करता है पर्वती के लिए, कोई रास्ता नहीं है। तो इस तरीके के रास्ते में अगर पर्वती आएंगे तो स्थिति क्या रहेगी? स्थिति बहुत खराब रहेगी, कोई गिर बजर जाएगा, हाथ गोड़ टूट जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी हो सकता है ये घाट का। अच्छा, एक बात बताएंगे, एक दूसरी तरफ का एक नज़ारा हमने देखा है, यहाँ गंदगी काफ़ी है उस तरफ में, तो क्या इसको लेकर के कमेटी के लोग ही इसको इसकी साफ सफाई करेंगे या फिर किसी और अधिकारी को इसके लिए आगे आना चाहिए था? अधिकारी को आना चाहिए, सफाई कर्मचारी को आना चाहिए, पर मर कोई नहीं, अधिकारी कोई पहुँच भी नहीं किया, न CEO पहुँचा, न BDO पहुँचा, कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं, थाना प्रभारी कोई पहुँचा नहीं। अच्छा, एक बात बताएंगे, तमाम जगहों पर वार्ड में भी स्वच्छता कर्मी का चयन किया गया, वे लोग साफ सफाई करते हैं, तो क्या स्वच्छता का अधिकारी जो यहाँ पर है उनका पहल इस पर होना चाहिए था या नहीं? होना चाहिए था, मगर कोई नहीं है स्वच्छता का। बयान में आप साफ समझ सकते हैं कि स्वच्छता कर्मचारी जिन्हें प्रखंड के वार्डों में सफाई करने के लिए रखा जाता है और जिन पर स्वच्छता के जो अधिकारी होते हैं उनका काम होता है उनसे स्वच्छता को लेकर काम लेना। तमाम पंचायतों में कहीं ना कहीं स्वच्छता को लेकर लगातार काम जारी है। लोग अपने अपने वार्ड में अपने नदी घाट पर जहां पर पर्वती छठ करने के लिए जाएंगे वहां पर सफाई को लेकर एकत्र होकर सफाई करने में लगे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इस मननपुर घाट पर ना तो स्वच्छता के कर्मी, ना तो स्वच्छता के अधिकारी और ना ही कोई अधिकारी आकर इनका जायजा ले रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर कमेटी के लोग ना हो तो शायद लगता ही नहीं है कि यहां पर किसी प्रकार का कोई छठ होगा।
यानी कहीं ना कहीं इसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ के कमेटी के लोग हैं। अब सवाल उठता है कि इन कमेटी के लोगों के हाथों को मजबूत करने के लिए कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिन्हें इन लोगों को कहीं ना कहीं दान स्वरूप चंदा देना अच्छा लगता होगा। यहाँ यह कहना बड़ा उचित होगा कि अगर किसी डांस का प्रोग्राम हो तो लोग 100, 50, 200, 500 जरूर है कि स्वतः से ही अपने पॉकेट से निकालकर फेंकना शुरू करेंगे, लेकिन जब हिंदू रीति रिवाज से छठ पर्व की लेकर बात आ रही है तो लोगों के जेब ढीले करने में भी कोताही बरतती नजर आ रही है। एक तरफ जहां स्वच्छता के अधिकारी ढोल पीटते हैं कि कहीं न कहीं मैं स्वच्छता को लेकर परिपूर्ण तरीके से जिले में अधिकारियों की तरफ से कुछ न कुछ उपहार स्वरूप पाया हूं, तो आखिर यहां पर क्या हुआ जो उनकी स्वच्छता को ग्रहण लग गया? क्या लगता है कि यहां के कर्मचारी जो स्वच्छता के लिए बहाल हुए हैं उन्हें इस दिशा में कोई काम करना चाहिए या नहीं, यह तो स्वच्छता के अधिकारी ही बताएंगे या फिर इन कमेटी के लड़कों के द्वारा किया गया काम ही बताएगा। क्या लगता है कि स्वच्छता कर्मी इन कामों को कर पाएंगे या कमेटी के द्वारा किए गए इन कामों की जिम्मेदारी अधिकारी लेंगे और कहेंगे ताल ठोक कर कि मैंने ही यह काम करवाया है? क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष। और ये जो आपके पीछे घाट है, कौन सा घाट है, इसका क्या नाम है? यह घाट मननपुर घाट है। यह हाई स्कूल मार्ग द्वारा यहाँ पहुँचा जाता है, मननपुर बाजार का घाट है। अच्छा, एक बात बताएंगे, घाट की स्थिति क्या है? घाट का स्थिति बद से बदतर स्थिति में है। ये ना तो पानी का इसमें ठहराव है और न तो छठ व्रती के लिए कोई यहाँ, यानी गड्ढा है कहीं तो कहीं पानी नहीं है, पूरा दिक्कत होता है। एक अनुमानित यहाँ पर कितना ऐसा लोग होंगे जो कि आते हैं और छठ करते हैं और जाते हैं? लगभग भाई 1500-2000 आदमी। तो क्या लगता है कि इस बार जब पानी की कमी हो गई है तो ऐसे में यहाँ पर छठ पर पूरा हो पाएगा? पूरा तो नहीं हो पाएगा, तब पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपना भर। आप लोग यहाँ पर साफ सफाई को लेकर के लगे हुए हैं? जी, साफ सफाई है, नदी साफ सफाई है, रोड में लाइट व्यवस्था है, मूर्ति स्थापना होता है, सब चीज होता है यहाँ। तो सरकार के द्वारा जो निर्देश आता है कि जो घाट निर्देशित किया जाता है सरकार के तरफ से उन पदाधिकारियों को कि जाएं और जाकर के वहाँ का जायजा लें, स्थिति क्या है और स्थिति के अनुसार जो वहाँ पर कार्य करवाएं, तो क्या अब तक कोई पहुँचे या नहीं? अभी तक तो हमारे ख्याल से कोई नहीं आए हैं, ना तो थाना से आए हैं, नहीं तो वीडियो सीओ कोई भी नहीं आए हैं। तो क्या लगता है उन्हें आकर के इनका जायजा लेना चाहिए था या नहीं? वो तो जरूरी है, प्रशासन लोग को ही आना चाहिए, इसमें आगे बढ़ चढ़ करके अपना देख रेख में काम करवा सकते थे।